हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, उड़ीसा सरकार की तरफ से आप सभी के लिए लार्जेस्ट नंबर ऑफ वैकेंसी यहां पर जो है फार्मिस्ट की, वो यहां पर आ चुकी है, क्योंकि अभी तक की सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ वैकेंसी उड़ीसा सरकार की तरफ से निकल रही है। और दोस्तों, आप सभी की योग्यता, अगर आप 12th पास हैं तो आप इस भर्ती के लिए पूरे तरह से एलिजिबल हैं, क्योंकि दो डिपार्टमेंट के तहत इस वैकेंसी को अपडेट किया गया है। और किस भाई कितने पोस्ट हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को देने वाला हूँ। योग्यता क्या होने वाली चाहिए, वो भी आप सभी को पूरे स्टेप बाय स्टेप अपडेट मिलने वाली है। तो बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि बाकी इन्फॉर्मेशन उम्मीदवारों तक पहुँच सके। सबसे पहले दोस्तों, देख सकते हैं कि उड़ीसा सरकार की तरफ से यहाँ पर यह भर्ती को निकाला गया है, और इसकी ये अंडर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तहत ये अंदर आती है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि जो एडवर्टाइजिंग नंबर है वो यहाँ पर 3438 है। साथ ही जो डेट है वो 23/8/2022 को पब्लिश किया गया था, जिसमें कि यहाँ पर आप जैसे देखते हैं ये फार्मिस्ट भर्ती है, जिसमें कि यहाँ पर जो इसके अंडर आती है डिपार्टमेंट ऑफ HOD गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, यानी कि यह रिक्रूटमेंट जो निकाली गई है वो गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा की तरफ से निकाली गई है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के दोस्तों इन्वाइटेड किया गया है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि इसकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर जो है 28/8/2023 स्टार्ट होगी, और जो एंड होगी वो यहाँ पर जो है 25 तारीख से। दोस्तों, आप सभी के रजिस्ट्रेशन यहाँ पर क्लोज हो जाएंगे, और जो लास्ट डेट ऑनलाइन सबमिशन का है वो 28/9/2023 रहेगा। आप सभी की जो एंड ऑफ डेट अप्लीकेशन है वो यहाँ पर देते हैं कि 28 तारीख से लेकर जो है एडिटिंग करने का समय 1 तारीख तक दोस्तों यहाँ पर आप सभी को मिलने वाला है। जो मोड है वो ऑनलाइन मोड से आप सभी को अपने जो है वेबसाइट पर जो है पेमेंट करना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पर। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर देते हैं कि दो डिपार्टमेंट के थ्रू यहाँ पर फार्मिस्ट की यहाँ वैकेंसी निकाली गई है, पहला डिपार्टमेंट और दूसरा डिपार्टमेंट। और जो ये कैटेगरी है पोस्ट की वो ग्रुप सी के अंदर आती है, जिसमें कि पहले डिपार्टमेंट 23 पोस्ट और सेकंड डिपार्टमेंट है 1st पोस्ट निकाली गई है। जो आप सभी को जो पे लेवल है, जो आप सभी की सैलरी है वो 2017 के लेवल पर 7 पे लेवल मिलेगी, और 2017 के लेवल पर ही दोस्तों यहाँ पर जो है पे जो था उस समय लेवल 7 था, उसी पे आप सभी को मिलने वाला है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया है आप सभी को फॉर्म फिलअप के रिगार्डिंग, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप सभी जो है प्रॉपरली कंफर्म करके डालें, क्योंकि रिक्रूटमेंट की जो भी प्रोसेस है, रिसीव है, जो मैसेज है वो आप सभी को यहाँ पर उसी मैसेज और ईमेल आईडी पर दोस्तों प्राप्त होगा। साथ ही दोस्तों, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट डाटा है वो क्या होने वाली है, उसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज जो यहाँ पर जो है आप सभी के UR SEBC SC ST और टोटल कितने पद, यहाँ पर अगर पहले डिपार्टमेंट की बात करें तो उसके अंदर 2 पोस्ट वुमेन के लिए हैं, इसमें दोस्तों यहाँ पर नील है, और SC के लिए यहाँ पर 4 हैं, ST के लिए यहाँ पर 5 हैं, और टोटल 11 निकालते हैं। सेकंड पोस्ट के लिए यहाँ पर सिर्फ 1 ही हैं ST के उम्मीदवारों के लिए। यहाँ पर आप सभी की कैटेगरी वाइज आप सभी को सारी यहाँ पर जो है अपडेट दी गई है कि UR SEBC और SC ST और W क्या है वो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं। साथ ही स्पेशल कैटेगरी जो है सेकंड पोस्ट के लिए देख सकते हैं कि जो बताया गया है वो क्या है, एक्स सर्विसमैन के लिए दोस्तों यहाँ पर है, अगर इसमें है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करते ही आप सभी को अपनी एलिजिबिलिटी कैटेगरी के बारे में पता चलेगा, जिसमें कि सबसे पहले आप सभी को इंडियन सिटीजनशिप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि आप भारतीय होने चाहिए। आपका जो करैक्टर है वो किसी भी क्राइम रिकॉर्ड से ना होए, आपकी जो करैक्टर हो वो पूरे तरह से गुड है, तभी आप इसके अंदर दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप दोस्तों नहीं अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें कि आप सभी के लिए इस फॉर्म को भरने समय के लिए आप सभी को एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान देना है, यू मस्ट बी हैड मिडिल क्लास इस एग्जामिनेशन विथ उड़ीसा लैंग्वेज। यानी कि दोस्तों, आप अगर कहीं से भी पढ़ रहे हैं, या आपकी लोकल लैंग्वेज, या अगर आपने मिडिल स्कूल किया है वो एग्जामिनेशन किया है, तो आपका एक सब्जेक्ट उड़ीसा रहना चाहिए, और आप सभी को उड़ीसा के अंदर उड़ीसा जो लैंग्वेज है वो बोल लेना चाहिए, तभी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, वरना वो उम्मीदवार इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उन सभी के लिए जो प्रक्रिया है उसे यहाँ पर छाँट दिया जाएगा। पहले डिपार्टमेंट के लिए अगर बात करें, जिसमें कि 24 पोस्ट थे, सबसे पहले आपको 10+2 यहाँ पर पास होना चाहिए, जो आपकी स्ट्रीम है वो यहाँ पर साइंस होनी चाहिए। साथ ही दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं कि दूसरी है जिसमें कि आपके मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा फार्मिस्ट है, उसके तहत आप सभी को यहाँ पर जो है 3 साल का मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल के अंदर आप सभी की यहाँ पर जो है ट्रेनिंग होनी चाहिए, और उसके अंदर जो आप सभी के प्राइवेट या इंस्टीट्यूट से अप्रूव होना चाहिए, जिसमें कि आप सभी के ले सकते हैं। और तीसरी अपडेट है, आप सभी की जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर जो है स्टेट काउंसलर उड़ीसा से यहाँ पर जो है वो होनी चाहिए।
दूसरे के लिए दोस्तों आप सभी को यहाँ पर जो है मैट्रिकुलेट और यहाँ पर जो है डिप्लोमा फार्मेसी होने चाहिए, तब उसके लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट देख सकते हैं कि 18 से लेकर 38 तक है और 18 से लेकर 38 तक है, दोनों पोस्ट के लिए रखा गया है। कैटेगरी वाइज जो सरकार की तरफ से 5 साल 10 साल OBC और कोर यहाँ पर ST वाली छूट मिलती है, वो यहाँ पर छूट आपको यहाँ पर इस एग्ज़ाम के अंदर मिल रही है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें कि इसके एग्ज़ाम पैटर्न क्या है वो होने वाली है, वो बताता हूँ मैं आपको, जो पैटर्न है वो किस तरह से होने वाली है, जिसमें कि आप सभी को जानना बहुत ही दोस्तों ज़्यादा ज़रूरी है। जिसमें कि यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो आप सभी के सामने जो पैटर्न है वो यहाँ पर दोस्तों आने वाला है, जिसमें कि आप यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन जो है पैटर्न की वो यहाँ पर आप देख सकते हैं और आप समझ भी दोस्तों सकते हैं। जिसमें कि आप देख सकते हैं कि ये जो पैटर्न है दोस्तों जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक ले दोस्तों जय हिंद।